हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा ट्रेन के ऊपर। आपने कभी भी रेल जर्नी किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे कुछ लिफ्ट हेयर लिखा रहता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो अगली रेल जर्नी में ज़रूर देखना आप, ये डोर के पास लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए, अब दरवाज़ा है, अगर आप देखेंगे तो कोच का यहाँ पे दरवाज़ा है और दरवाजे के बाजू में देखेंगे तो यहाँ पे लिफ्ट हेयर लिखा रहता है। और ये दो जगह लिखा रहता है, देखिए एक यहाँ लिफ्ट हेयर लिखा हुआ है और एक यहाँ लिफ्ट हेयर लिखा हुआ है। ये हर कोच में होता है। अगर कभी आप जर्नी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे से आप ध्यान दीजिएगा कि ये लिफ्ट हेयर लिखा रहता है। अब मैं आपको बता दूँ कि लिफ्ट हेयर क्यों लिखा रहता है। देखिए, ये जब कोच मेंटेनेंस के लिए डिपो में जाता है, जब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, मेंटेनेंस के लिए इसको डिपो के अंदर ले जाया जाता है, तो इस कोच को लिफ्ट किया जाता है, यानी कि जमीन से इस कोच को ऊपर की तरफ उठाया जाता है ताकि इसके नीचे के जो पार्ट्स हैं उनमें रिपेयरिंग का काम किया जा सके। जो यहां नीचे के पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इनके रिपेयरिंग के लिए इस कोच को लिफ्ट किया जाता है। तो यहां पे ये एक पैड बना होता है जहां पे हाइड्रोलिक जैक लगा होता है। यहां पे ये पैड बना रहता है और इसके ऊपर हाइड्रोलिक जैक लगा रहता है। आप यहां देख सकते हैं, ये पैड बना हुआ है और इसके ऊपर हाइड्रोलिक जैक लगा रहता है। इसके वजह से यहां से गाड़ी को लिफ्ट किया जाता है ताकि इसके नीचे से काम किया जा सके। तो ये हर कोच में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे कुछ कोच में ये अंदर रहते हैं और कुछ कोच में ये बाहर रहते हैं। तो मैं आपको एक और कोच दिखा देता हूँ जिसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, काफ़ी क्लियर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियर मिल जाएगा। और यहाँ देखिए, ये देखेंगे आप यहाँ तो यहाँ भी आपको लिफ्ट हेयर लिखा मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिफ्ट हेयर लिखा आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे ये पैड है, इसके अंदर हाइड्रोलिक जैक, इलेक्ट्रिकल जैक लगते हैं। हाइड्रोलिक भी लगते हैं कई जगह और इलेक्ट्रिकल जैक लगते हैं। ज़्यादातर इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिकल जैक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जैक लगता है और इसे लिफ्ट होता है। तो ये जो लिफ्ट हेयर लिखा हुआ है ये कोच के दोनों साइड में होता है, उस साइड में भी होता है, इस साइड में भी होता है और दोनों एंड पे होता है। इस एंड पे दो है और अगर इस कोच के दूसरे एंड पे जाएंगे तो वहाँ भी दो मिलेगा, दो इधर मिलेगा, दो दूसरी तरफ मिलेगा। यानी कि एक कोच को लिफ्ट करने के लिए चार इलेक्ट्रिकल जैक को लगाया जाता है और फिर कोच को पूरा ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है और ये ट्रॉली सेट बाहर निकल जाता है ताकि इसकी रिपेयर की जा सके। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।